हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कंचन और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बनाने वाली हूं कढ़ाई बैंगन। मैंने छोटे छोटे बैंगन लिए हुए हैं और बैंगन को मैंने 4 टुकड़ों में काटा हुआ है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे। और एक बैंगन थोड़ा सा ख़राब निकल गया था, तो मैं इसे ऊपर से काट के निकाल दी। इसमें मैंने लिया हुआ है हल्दी 1 चम्मच और नमक 1 चम्मच। मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इस मिक्सचर को मैं बैंगन के अंदर वाले पार्ट पे अच्छे से लगा लूँगी, ताकि जो नमक है वो अंदर में अच्छे से चला जाए। मैंने सारे बैंगन में हल्दी और नमक की जो मिक्सचर थी उसको अच्छे तरह से सारे बैंगन में लगा दी है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब मैं कढ़ाई गरम कर लूँगी और इसमें मैं मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। ऑयल पूरी तरह गर्म हो चुकी है। अब मैं ऑयल को कढ़ाई के चारों ओर अच्छी तरह से स्प्रेड कर लूँगी, जब मैं बैंगन डालूँ तो ये चिपके ना। और बैंगन आप तभी डालें जब ऑयल पूरी तरह गर्म हो। मैं बैंगन को मीडियम फ्लेम पे ही कुक कर रही हूँ। याद रहे, जब भी आप बैंगन फ्राई कर रहे हो तो उसे ढककर ही पकाएं। अगर आप ढक के पकाओगे तो बैंगन जल्दी पकती है। और मैं इसे 5 मिनट के लिए फ्राई करूँगी और हर एक एक मिनट के बाद इसे अच्छे से चला लूँगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, बैंगन अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, अंदर से भी अच्छी तरह से कुक हो गई। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। इसमें मैंने 2 बड़े प्याज लिए हैं। मैंने दोनों प्याज को अच्छे तरह से कद्दूकस कर लिया है, इससे हमारी ग्रेवी अच्छी बनेगी। बैंगन फ्राई करने के बाद इतना सारा ऑयल बच गया। अब मैं इसी ऑयल में बैंगन के लिए मसाला बनाऊंगी। इसमें मैंने कद्दूकस किए हुए प्याज डाल दिए हैं। अब मैं इसे गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करूंगी। प्याज फ्राई होके गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें और जितने भी सारे मसाले डालने हैं वो डाल दूंगी। इस मसाला में मैंने धनिया, जीरा, लहसुन, हरी मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और दालचीनी डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब इस भुना हुआ प्याज में मैं 2 बड़ा चम्मच मसाला डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करके कुछ देर तक फ्राई करूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब मैं इसमें 1/2 कप पानी डालूंगी और 5 मिनट के लिए अच्छे से पका लूंगी।
अब मैं इसमें एक एक करके सारे बैंगन डाल दूंगी। अब मैं बैंगनों को अच्छे से मसाला में मिक्स कर लूँगी। याद रहे आपको बहुत हल्के हल्के से चलाना है, क्योंकि बैंगन हमारे बहुत अच्छे से पक चुके हैं। अगर हम थोड़ी सी भी जल्दी में रहे तो फिर हमारे बैंगन जो है वो बीच से टूट जाएंगे। और मैंने इसमें ऊपर से हल्का सा नमक डाला है, क्योंकि मैंने पहले ही नमक डाल के बैंगन को अच्छे से पका लिया था। अब मैं इसे 2 मिनट के लिए बस पकाऊंगी। अब मैं इसमें 1 कप पानी डाल के इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाऊंगी। कढ़ाई बैंगन बनकर तैयार हो गई है। सच बताओ तो ये देखने में जितना यम्मी लग रहा है, खाने में उससे भी ज़्यादा यम्मी था। तो प्लीज़ एक बार आप लोग घर में ट्राई करना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।